नमस्कार सभी दोस्तों को, साथियों, एक बार फिर से आपका देशवाड़ व्लॉग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे हूँ वो है कालका रेलवे स्टेशन, जो कि चंडीगढ़ से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्टेशन दोस्तों अपने आप में बहुत खास है। वो खास क्यों है? यहाँ से कालका के लिए शिमला जो टॉय ट्रेन चलती है वो विश्व धरोहर में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। वो यहीं से चलती है और फिर शिमला जाके ख़त्म होती है। तो मैं अपने ये स्टेशन दिखाऊंगा आज और टॉय ट्रेन भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, स्किप मत करियो इस वीडियो को, बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर। ये दोस्तों स्टेशन का एंट्री गेट है। ये है दोस्तों स्टेशन के अंदर का नज़ारा। स्टेशन जो है बहुत साफ सुथरा है, जगह जगह पे अपने पेड़ दिखाई देंगे ऐसे। लकड़ी के बेंच हैं, काफ़ी साफ सफाई इस स्टेशन पर है। स्टेशन बहुत छोटा है दोस्तों, लेकिन बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत है। यहाँ पर दिल्ली और भी बहुत सी जगह है, बड़ी ट्रेन भी जहाँ हैं। वैसे मेन आकर्षण का जो केंद्र है वो है इस स्टेशन का टॉय ट्रेन जो है। यहाँ पर ये मेरी फैमिली है, मेरा बड़ा लड़का देवराज और ये मेरा छोटा बेटा, ये भांजा, ये मेरी बहन जी। खूबसूरती आप देख सको हो। यहाँ पर ये लास्ट स्टेशन है दोस्तों हरियाणा का, कालका। यहाँ पर ट्रेन स्टॉप हो जाए बिल्कुल, ये स्टॉपेज पॉइंट है जो बड़ी ट्रेन है उनका, इंडियन रेलवेज। और यहाँ पर आप देख सको हो कितना खूबसूरत बनाया गया है। जगह जगह पे हरियाली, पेड़ पौधे, बहुत सुंदर तरीके से दोस्तों ये स्टेशन बनाया गया है। छोटा मेरे साथ है। ये देखो दोस्तों, जगह जगह चित्रकारी हैं। ये टॉय ट्रेन की चित्रकारी है जो कि एक पुल के ऊपर से गुजर रही है। और ये चित्र है दोस्तों, टॉय ट्रेन जब खेतों से होकर गुजरती है तब का ये पोस्टर है। ये इस तरह की दुकान काफ़ी सारी हैं, खाने पीने के बहुत से आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे आपने। साफ सफाई के मामले में दोस्तों मैं इस स्टेशन को एक नंबर दूंगा पूरे हरियाणा में। ये स्टूल हैं सब लकड़ी के हैं, यात्री यहाँ बैठ कर आराम कर सके हैं। यहाँ पर एक वजन तोलने की मशीन है साथियों, यहाँ पर आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका वेट यहाँ इस मशीन में आ जाएगा। पुराने टाइम की मशीन है दोस्तों, पता नहीं 20 पे सुई रुकगी, कितना वजन है पता नहीं, क्योंकि काफी पुराने टाइम का काटा है यो। स्टेशन तो बहुत देखे दोस्तों, लेकिन इतना खूबसूरत स्टेशन मैंने पहली बार देखा है हरियाणा में। ये यहाँ पर देखो साथियों, ये जो पटड़ी है दोस्तों ये टॉय ट्रेन की है, यहाँ से शुरुआत हो है और यहाँ बीच से सवारियाँ जाती हैं। दोनों तरफ गमले लगाए गए हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य साथियों। जो कालका स्टेशन है ये दो भागों में है। ये इस तरफ तो जो बड़ी ट्रेन है उनका सेक्शन है। स्टेशन पर जब हम अंदर आवा हाँ तो राइट साइड में जो है बड़ी ट्रेन का आवागमन हो है, और ये वाला सेक्शन जो है दोस्तों ये टॉय ट्रेन का है।
तो टॉय ट्रेन के बारे में मैं आप लोगों ने थोड़ा बता दूं और दिखा भी दूं। टॉय ट्रेन दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल है, जो कालका शिमला का रेलवे मार्ग है। 9 नवंबर सन 1903 में इस मार्ग की शुरुआत हुई थी। ये सामने आपने दिखाई देगी होगी, ये है दोस्तों टॉय ट्रेन। ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे है, और ये अंबाला डिवीजन में हुआ है दोस्तों। टॉय ट्रेन का जो रेल मार्ग है वो सन 1896 में इस रेल मार्ग का बनाने का काम शुरू होया था। इस मार्ग की लंबाई जो है वो 96 किलोमीटर है, कालका से शिमला 96 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर साथियों 18 स्टेशन आवे हैं, और इस मार्ग को KSR के नाम से भी जाना जाए। सन 1921 में साथियों हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने भी इस ट्रेन से एक बार यात्रा करी थी कालका शिमला के लिए। टॉय ट्रेन का जो रास्ता है दोस्तों कालका से शिमला, उस पर कुल मिलाकर 103 सुरंगावें हैं, जो कि सफर ने बहुत रोमांचक बना दिए हैं। और इस मार्ग पर जो सबसे बड़ी सुरंग है दोस्तों, उस सुरंग का नाम है बड़ोग सुरंग, वो सबसे बड़ी है। ये 3 ट्रेन यहाँ पर खड़ी हैं फिलहाल। जो बड़ोग सुरंग है दोस्तों, बड़ोग नाम से, उसको पार करने में ट्रेन पूरी 2.5 मिनट ले हुए है, क्योंकि वो सबसे बड़ी सुरंग है इस मार्ग पर। और दोस्तों इस रेल मार्ग पर 869 छोटे बड़े पुल, कुल मिलाकर 869 पुल आवे हैं, छोटे बड़े सारे मिलाकर। टॉय ट्रेन की पटड़ी की बात करूं मैं, तो इसकी पटड़ी की चौड़ाई जो है दोस्तों वो है 2 फीट 6 इंच, जो कि इंडियन रेलवेज की जो पटड़ियाँ होती हैं उनसे काफ़ी कम है। शिमला से कालका के सफ़र पर साथियों जो मोड़ हैं वे 919 हैं, यानी कि 919 मोड़ इस रेलगाड़ी ने कालका से शिमला के लिए काटने पड़े हैं। और जो तीखे मोड़ हैं दोस्तों वे 48 डिग्री पर रेलगाड़ी घूमे हैं, इतने तीखे मोड़ भी हैं इस रेल मार्ग पर। यूनेस्को ने जुलाई 2008 में दोस्तों इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, हरियाणा वासियों के लिए। इसके बारे में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भी हुई थी प्राचीन समय में, जब रेल लाइन का निर्माण होने लग रहा था, तो बड़ोग नाम से एक ब्रिटिश इंजीनियर था, तो उसने सुरंग बनाई साथियों, इधर से भी उधर से भी दोनों तरफ से उसने सुरंग बनानी चालू करवाई। लेकिन जब सुरंग के सिरे आपस में नहीं मिले तो सरकार ने उस पर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया था। तो वो आत्मगलानी से उस कर्नल ने, उस इंजीनियर ने जो कि कर्नल था ब्रिटिश शासन काल में, उसने साथियों आत्मगलानी से आत्महत्या कर ली, अपने आप को उसने गोली मार ली। सन 1974 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी दोस्त, और उसका गाना था गाड़ी बुला रही है, ये तो सभी ने सुना होगा। तो वो इसी टॉय ट्रेन में शूट होया था उस गाने का। और सन 1960 में जब शम्मी कपूर की फिल्म बॉयफ्रेंड का गाना मुझको अपना बना लो, वो भी इसी टॉय ट्रेन में शूट होया था साथियों। और भी बहुत सारी फिल्में इस टॉय ट्रेन में शूट हो रही हैं साथियों, जैसे कि मैं आपने बता दूं, साल 2000 में प्रीति जिंटा की फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था क्या कहना। इसके अलावा साथियों इस ट्रेन में ऑल इज वेल, जब वी मेट, सनम रे, रमैया वस्तवैया,
और भी काफी सारी फिल्मों की शूटिंग इस टॉय ट्रेन में हो चुकी है। तो ये था साथियों, टॉय ट्रेन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और साथियों वीडियो ने लाइक जरूर कर दिया करो, बड़ी मेहनत है मैं वीडियो बनाऊं हूँ, इसने लाइक कर दिया करो दोस्तों। पुराने हो तो शेयर कर दो, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सभी साथियों को मेरी प्यार भरी राम राम, नमस्कार, खुश रहो दोस्तों।